या फिर किसी एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आपको बताया जाता है कि आप अपनी फ़ोटो को गोरा बना सकते हैं और भी आप स्मार्ट बना सकते हैं, तो जो मैं आपको एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ यह सब कुछ आप एक क्लिक में कर सकते हैं। इस फोटो को आप देख के समझ सकते हैं कि यह मेरा बचपन का फ़ोटो जैसे लग रहा है। आप मेरा फ़ोटो मिला लीजिए और इस फोटो को मिला लीजिए, सेम टू सेम लग रहा है कि इसमें मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा है हमारी स्क्रीन पे, इसी फ़ोटो से मैंने इस फ़ोटो को भी बनाया है। ये चेहरा मिला लीजिए और इस चेहरे को मिला लीजिए, कितना ज़्यादा आपको इसमें रियलिटी नज़र आ रहा है। ये फ़ोटो आप देख लीजिए, उसके बाद इस फ़ोटो को भी देख लीजिए, मतलब कि आप चाहे जैसी फ़ोटो बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही फ़ोटो है, इसमें साड़ी में नज़र आ रहा है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको हम बताते हैं वो कौन सा एप्लीकेशन है और आप उस एप्लीकेशन के माध्यम से कैसे अपनी फ़ोटो को अच्छी क्वालिटी में बना सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आगे भी इसी तरह की एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह एप्लीकेशन, जिसका नाम है फोटो लैब। इसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसको फर्स्ट बार ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ पे टिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इसको सब कुछ आपको अलाउ कर देना है। तो अभी वीडियो को आप छोड़ के मत जाइएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो खुद कर सकता हूँ, लेकिन इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसे ऑप्शन हैं कि आपको हो सकता है कि पहली बार में समझ नहीं आएगा, आपको फिर से खोजना पड़ेगा सब कुछ। तो यहाँ पे आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे। दूसरे ऑप्शन में आपको लुक लैब दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डेमो दिखाई दे रहा है कि आप अपनी फ़ोटो को इस तरह से, मतलब कि लुक लैब में आपको इतने सारे फ़ोटो मिलेंगे, आप इस तरह से अपनी फ़ोटो को बना सकते हैं। फिर से इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको AI लुक्स दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी फ़ोटो को AI बनाते हैं, आप यहाँ से अपनी फ़ोटो को AI में कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये वाला ऑप्शन अभी लोगों को बहुत ज़्यादा यूज करने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि अभी यह बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पे जितने ऑप्शन हैं बारी बारी से आप सब पे क्लिक करके सारे फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने जितनी फ़ोटो को अभी आपको दिखाया, उन सारी फ़ोटो को आप कैसे एडिट कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर आप बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे गर्ल पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी फ़ोटो को, जैसे कि अगर आप लड़की हैं तो आप अपनी फ़ोटो को लड़की के रूप में बना सकते हैं। ब्यूटीफुल में क्लिक करेंगे तो और भी फीचर आपको मिलेंगे। साड़ी में क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारी साड़ी वाली फ़ोटो दिखाई देंगी। तो मैं साड़ी वाले पे क्लिक करता हूँ, एक फ़ोटो मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं इस फ़ोटो पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं किसी एक लड़की का फ़ोटो चूज करता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक फ़ोटो है, मैं इसी फ़ोटो को चूज कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करते हैं, फिर से इसको एग्री करेंगे। आप यहाँ से इसका रेशियो चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं बीच वाले पे क्लिक करता हूँ, यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर यह लोडिंग लेगा, प्रोसेसिंग में चलेगा, उसके बाद आपकी फ़ोटो बन के रेडी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे फोटोग्राफी है, कार्टून है, आप अपनी वीडियो को कार्टून की तरह बना सकते हैं, लव है, बैकग्राउंड है, सब कुछ है, मतलब कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप बड़ी आसानी के साथ अपनी फ़ोटो को स्टाइलिश बना सकते हैं। अगर आपकी फ़ोटो थोड़ा ब्लैक कलर में है, यानी कि सांवले कलर में है, तो आप अपनी फ़ोटो को पूरा गोरा कर सकते हैं। तो आज की यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद तो आई ही होगी, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं, आगे भी आप फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी अदर एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।